आजकल बहुत कम उम्र में बाल झड़ने लगे हैं और बच्चों के भी बाल सफ़ेद होने लगे हैं और साथ ही स्किन की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। तो बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि शायद जो हम फल और सब्जियां खा रहे हैं वो उतनी न्यूट्रिशियस नहीं रह गई हैं, अब उनमें उतने विटामिन्स उतने प्रोटीन्स नहीं रह गए हैं। तो क्या ये दावा सही है? कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा इनकी एज हो गई है, कि उनके ज़माने में जैसे फल और सब्जियां हुआ करते हैं आजकल वैसे नहीं होते हैं, वो कम पौष्टिक होते हैं और उनमें स्वाद भी वैसा नहीं होता। तो क्या ऐसा है? क्या ये साइंटिफिकली सही है या सिर्फ उनका एक अंदाज़ है या नॉस्टैल्जिया है उनके पुराने दिनों के बारे में? तो इसके ऊपर एक साइंटिफिक स्टडी हुई और करीब 40 प्लांट स्पीशीज़ को स्टडी किया गया ये देखने के लिए कि सन 1950 से सन 2000 के बीच में क्या उनकी कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हुई है। और रिजल्ट बड़े आश्चर्यजनक थे। प्रोटीन करीब करीब 7-8% कम हो गया था। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो ग्रुप्स हैं वो करीब करीब 15 से 20% कम हो गए थे और इसी तरह से बाकी के मिनरल्स की क्वांटिटी में भी कमी आ गई थी। तो क्या वजह हो सकती है कि पिछले 50-60-70 सालों में जो हमारे फल और सब्जियां हैं उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू घटी है, वो पहले जैसे पौष्टिक नहीं रह गए हैं? एक तो तर्क ये हो सकता है कि जो मिट्टी है उसमें हम लगातार फसलें उगा रहे हैं। पिछले 50-60 सालों से जो प्रोडक्शन है हम ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा फसलें उगा रहे हैं, तो शायद मिट्टी में ही उतनी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं रह गई हो, न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में से कम हो गए हों। लेकिन ये बात लॉजिकल नहीं लगती है क्योंकि आजकल जो फल और सब्जियां मिलती हैं वो पहले की तुलना में और ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। जो भुट्टा है उसका साइज़ बड़ा हो गया है, जो खरबूजा है, जो तरबूज है उनका साइज़ बड़ा हो गया है और वो ज़्यादा पहले से अच्छे दिखने लगे हैं। अमरूद बहुत बड़े बड़े साइज़ के आने लग गए हैं और इसी तरह से हम देखते हैं कि जितने भी हैं सेब है, जितने भी जो फ्रूट्स हैं उनकी क्वालिटी है तो हमें देख के तो ज़्यादा ही इम्प्रूवड लग रही है। तो और इसके अलावा अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे तो पेड़ अच्छे से बढ़ेंगे नहीं, उनमें फल अच्छे लगेंगे ही नहीं। ये प्रूव करने के लिए और कंफर्म करने के लिए क्या मिट्टी ही जिम्मेदार है, इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया और कुछ ऐसी लैब्स हैं जहाँ पर बहुत पुराने टाइम से मिट्टी के सैंपल्स रखे गए हैं और कंपैरिजन में ये पता चला कि न्यूट्रिटिव वैल्यू में कोई भी कमी नहीं हुई है। और आजकल तो बल्कि जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं जिसमें कि NPK जो तीन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के वो मिक्स किए जाते हैं। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल मैन्योर यूज़ की जाती हैं इसकी वजह से भी फसल अच्छी होती है। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू सॉइल की ख़राब नहीं हुई है, मिट्टी उतनी ही अच्छी है बल्कि पहले से ज़्यादा अच्छी हुई है। दूसरी वजह क्या हो सकती है? और दूसरी वजह है सेलेक्टिव ब्रीडिंग, यानी कि हमने वैराइटीज़ में चेंजेस पैदा किए हैं, हमने हाइब्रिडाइजेशन किया है, दो तरह की वैराइटीज़ को मिलाया है हमने स्पीशीज़ के बीच में, और इंटर जेनेटिक वेरिएशंस पैदा किए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रीड्स पैदा किए हैं। तो क्या इसकी वजह से उनमें न्यूट्रिशन कम हो गया है? तो इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है? तो साइंटिस्ट लोगों के पास एक ही तरीका था कि हम कुछ ऐसे प्लांट सेलेक्ट करें जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, जिसे इंसान ने डिस्टर्ब नहीं किया है। और ऐसा ही एक प्लांट है गोल्डन रॉड और वो है वीड, यानी कि झाड़ झंखाड़। हम जैसे कि पपीते का प्लांट है, हम इससे लगातार सेलेक्टिव ब्रीडिंग करेंगे, हम अच्छी से अच्छी स्ट्रेन लाएंगे, तो अब हम देखने लगे पपीते ना सिर्फ सुंदर बड़े होते हैं बल्कि उनके अंदर बीज भी कम हो गए हैं, ज़्यादा मीठे भी हो गए हैं। तो इस तरह से सभी वेजिटेबल और फ्रूट्स में हमने सेलेक्शन किया है अच्छी स्पीशीज़ के लिए, डिस्टर्ब किया है उसे, लेकिन जो झाड़ झंखाड़ है उसे इंसान ने कभी डिस्टर्ब नहीं किया। तो अगर हम किसी वीड को स्टडी करें और पता करें कि क्या उसमें भी प्रोटीन्स और विटामिन्स कम हो गए हैं समय के साथ, तो इसका मतलब ये होगा कि इंसान के दखलंदाजी से फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ऐसी एक लैब है नॉर्थ अमेरिका में, स्मिथसोनियन लैब, और जहाँ पर सन 1800 से तरह तरह के प्लांट्स के सैंपल्स रखे गए हैं। तो उस टाइम से लेकर के आज तक इन ये झाड़ियाँ वैसी ही उगती आई हैं और इनके सैंपल्स में जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि आज इनमें प्रोटीन कंटेंट करीब करीब 15-20% कम हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हर प्लांट में न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो रही है, प्रोटीन्स कम हो रहे हैं, विटामिन्स कम हो रहे हैं, तो और क्या वजह हो सकती है? एक तीसरी वजह है कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि ये लॉजिक कहीं से सही नहीं लगता क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट्स का फूड है, वो उसे पसंद करते हैं। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो ज़्यादा अच्छा ग्रो करेंगे, ज़्यादा फलेंगे फूलेंगे, और इसे हम ग्रीनिंग ऑफ अर्थ कहते हैं। यानी कि जब से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है पोल्यूशन की वजह से, सैटेलाइट इमेजेस में धरती ज़्यादा हरी दिखने लगी है, जितने भी बचे खुचे जंगल हैं वो ज़्यादा हरे दिखने लगे हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे न्यूट्रिएंट हमारे कम होंगे? इसके लिए एक
स्पेशल रिसर्च किया गया जिसमें कि अलग अलग चैम्बर्स में अलग अलग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल में प्लांट्स को उगाया गया और उनके न्यूट्रिटिव वैल्यू को कंपेयर किया गया। ये देखा गया कि जो अभी का कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर है उसमें जब प्लांट्स उगते हैं तो वो थोड़ा सा कम अच्छे से ग्रो करते हैं, अगर और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाई जाए तो वो और ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अगर कम किया जाए तो उनकी साइज़ और उनके फलों की साइज़ छोटी रह जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और उसे फिक्स करते हैं और उससे बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, और जब इस प्रोसेस में जब कार्बोहाइड्रेट बनता है तो थोड़ी सी ऑक्सीजन रिलीज होती है जिसे प्लांट्स थोड़ा यूज़ कर लेते हैं अपने सांस लेने के लिए और थोड़ा छोड़ देते हैं हमारे सांस लेने के लिए। तो ओवरऑल प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बोहाइड्रेट बन जाती है और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलती है तो प्लांट ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, तो प्रति 100 ग्राम में जब हम नापने जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से प्रोटीन और विटामिन के परसेंटेज कम हो जाते हैं। यानी कि जो फल और सब्जी पहले आप 100 ग्राम खा देते तो अगर आपको उसमें 15 ग्राम प्रोटीन मिलता था, अब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की वजह से प्रोटीन 7% ही रह गया है और इसी तरह से मिनरल्स भी कम रह गए। इसका मतलब ये भी हुआ कि अब जो हम बैलेंस डाइट खाते हैं उसमें फल और सब्जियों की न सिर्फ हमें मात्रा बढ़ाने की ज़रूरत है बल्कि हमें अलग से न्यूट्रिटिव वैल्यू के लिए मल्टीविटामिन्स और दूसरे इस तरह के सप्लीमेंट्स भी लेने की ज़रूरत है। और इसी तरह का एक बेहतरीन सप्लीमेंट है जिसका नाम है राइबो प्लस, जिसमें कि सभी आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट के विटामिन्स मिनरल्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में है। अगर आप इसे लगातार कई महीनों तक लेंगे तो न सिर्फ आपके बाल अच्छे होंगे बल्कि आपकी स्किन भी अच्छी होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जो ग्रे हेयर के पेशेंट्स हैं उनके लिए तो ये दवा जो है वो रामबाण दवा है। इसमें कैल्शियम पेंटोथेनेट है और ये पेंटोथेनेट एक तरह का बी कॉम्प्लेक्स है जिसका लेवल प्लांट्स में और फ्रूट्स में अब बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। तो अगर आप इसे 6 महीनों तक लेंगे तो आपके बाल वाइट होना रुक जाएंगे, और अगर आप इसे साल भर तक लेंगे तो जो वाइट हेयर है उसमें नीचे से आपको कलर चेंज भी दिखना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ इसके लिए ही नहीं, हमारे जनरल हेल्थ के लिए, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और हमारे सभी ऑर्गन सिस्टम के सही काम करने के लिए हमें लगातार सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं और इस पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो गया है। इस कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने की वजह से हमारे अंदर मोटापा और इस तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डायबिटीज़ और इस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही हैं। और न्यूट्रिटिव वैल्यू, न्यूट्रिशन यानी कि विटामिन्स प्रोटीन्स अब हमारे खानों में कम हो रहे हैं।